नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश में बड़े बड़े घोटाले करने वाले आखिर कानून और सरकार के शिकंजे से कैसे बच जाते हैं? दरअसल जितने भी इस तरह के अपराधी होते हैं उनके लिए बचने का एक रास्ता बेहद आसान होता है और वो है भारत से भाग जाना। लेकिन अब देश के कानून और जांच एजेंसियों से ये अपराधी नहीं बच सकते, क्योंकि सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत विदेश से इन अपराधियों को लाने का रास्ता बना दिया है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों को देश से जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। तभी तो पीएनबी को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले नीरव मोदी की गर्दन भारत सरकार के हाथ में है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की मदद से न सिर्फ नीरव मोदी के करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, बल्कि उसे भारतीय न्यायालय में पेश करने की भरसक कोशिश लगातार जारी रही। सरकार की कवायदें अब रंग लाई हैं और लंदन में आराम से बैठे नीरव मोदी के खिलाफ लंदन पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। आज विशेष में बात करेंगे जल्द ही गिरफ्तार होने वाले भगोड़े नीरव मोदी की, नीरव मोदी के आर्थिक घोटाले और उस पर लगे आरोपों को खंगालेंगे। इसके साथ ही आर्थिक भगोड़ा आपराधिक कानून के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे ऐसे ही अन्य भारतीय भगोड़ों से जुड़े मामलों के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कस गया है। लंदन में वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक वक्त था जब लोग बड़े बड़े फ्रॉड को अंजाम देते थे और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश से भाग जाते थे। विदेश जाकर ऐसे लोग बड़ी बेफिक्री से ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं उसके बाद से भगोड़े आर्थिक अपराधियों की नींद हराम हो गई है। इसका जीता जागता उदाहरण है नीरव मोदी। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ शिकंजा कस गया है। वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। ब्रिटेन स्थित वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। भारतीय बैंकों का 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए लेकर फरार नीरव मोदी पिछले दिनों लंदन की सड़कों पर पुलिया बदलकर घूमता दिखा था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। लंदन की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नीरव को प्रत्यर्पित करने के लिए प्रत्यर्पण निदेशालय यानी ईडी ने अनुरोध किया था। उसके बाद ब्रिटिश अदालत ने ईडी के दस्तावेजों के आधार पर नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नीरव मोदी के खिलाफ 13 मार्च को ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय को हाल ही में इसकी सूचना दी गई।